सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो लोकवाज टीवी ते मैं मनिंदर जीत सिद्धू। असी इस वक्त खड़े हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे शहर दे विच पटियाला विखे खड़े हाँ। पटियाला विखे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे महलों तो थोड़ी दूरी दे उत्ते एक नौजवान सुरिंदरपाल जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे महलों तो थोड़ी दूर दे उत्ते एक ETT टेट पास सुरिंदरपाल नामी अध्यापक टावर दे उत्ते चढ़िया। तस्वीर तुहानू पहलां दिखा दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे महल तो यह टावर साफ दिखाई दिंदा जे असीं कह दईए। 200 फुट उच्चे टावर ते नौजवान अपनी नौकरी दे लई, नौजवान अपने रुजगार दे लई पिछले लगभग 85 दिनां दे उत्तों चढ़िया होया। 85 दिन हो गया उसनू इस टावर ते बैठिया नू, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पूरे पंजाब विच कांग्रेस की भाई दौड़ दिखाई दे रही है, अपनी पार्टी अपनी सरकार अगली बनाउण दी ओह दिखाई दे रही है, पर यह नौजवान दिखाई नहीं दे रहा। घर घर नौकरी का वादा करके आए कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा सी कि हर घर दे विच नौकरी दित्ती जाएगी, कार्ड बना के दित्ते सी, पर घर घर नौकरी तो की देने सी उन्हां दे घर कोल आए नौजवान, जिहड़े उन्हां दे घर कोल नौकरी मंगण आए नौजवान आ उन्हां नूं भी अज लगभग 85 दिन हो गए इस टावर ते चढ़िया नूं सार नहीं लई। तुसी देखो कि मौसम कहो जिहा है, तुसी देखो कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के 45 डिग्री तो उपर के टैंपरेचर के साडे तो कमरों में बैठना मुश्किल हो जाता है, तो ये नौजवान पिछले 85 दिनों के उत्तों ये टावर पर बैठा है। 85 दिन हो गया, भार घट चुकिया, बीमार होया होया, पर जद है कि जिहड़ी सरकार वादा करके जिहड़ी गल आई सी वह वादा पूरा करे। एक होर उन्हें जद की है, जद है कि 2500 रुपया पत्ता, 2500 रुपया बेरोजगारी पत्ता की गल की सी सत्ता में आने तो पहला, तो सत्ता में आया नूं 4 साल तो उपर का समा हो गया, एक नौजवान कोई पंजाब दे एक नौजवान नूं भी कहिंदा बेरोजगारी पत्ता नहीं दिता। लगभग 1.5 लाख के करीब साडा बेरोजगारी पत्ता खड़ा है कि नौजवान का सरकार से कदों देवेगी, यह भी सवाल उठा रहा सुरिंदरपाल टावर पर बैठा। सरकार अपनियां वोटां दिख रही, गठबंधन दिख रहे, किनू पासे करना किनू अगे लैके आना यह दिस रहा, पर नौजवान नहीं दिस रहे। की कसूर है इन्हों का, क्यों नहीं साडियां सरकारां सुहिरद इन्हां प्रति, क्यों नहीं इन्हां नौजवानों नू मन दियां कि एक पासे नौजवानों नू कहा जांदा कि देश का भविख है, ये देश के लिए कुछ करन वाले है, दूजे पासे नौजवान अपने रुजगार के लिए। सुरिंदरपाल बारे कहा जाता है कि घर की गरीबी सी, परिवारक हालत ठीक नहीं सी, रिश्तेदारों तो पैसे लैके ETT की ETT करन उपरंत मेहनत करके, मेहनत कश मुंडा सी, हुशियार सी, मेहनत करके टेट पास किया, टेट पास करने उपरंत भी अज बेरोजगारी का सामना करना पै रहा, कित्थे जान नौजवान, किवें की करन नौजवान। फिर दूजे पासे सरकार इन्हां ही नौजवानों नूं जदों रुजगार नहीं दिंदी, जदों बाणी फड़दी, जदों ये नौजवान नशियां जां गलत पासे तुर पैंदे आ जां गैंगस्टरवाद वाले पासे तुर पैंदे आ, फिर ये एनकाउंटर बना के, फेक एनकाउंटर बना के उन्हां दा गोलियां मार दिंदी है, उन्हां ते जुल्म करदी है। जेकर सरकार सुहिरद होवे, सरकार नौजवानों रुजगार देवे, तां ये नौबतां ना आउण, ना पंजाब दा कोई नौजवान गैंगस्टर बने, ना पंजाब दा कोई नौजवान नशेई बने। ये नशेड़ी बनाउणा, गैंगस्टर बनाउणा, यही कारण है अक्या होया है। 85 दिन हो गया उपर बैठे नूं, अक्या होया सुरिंदरपाल की करेगा, सरकार कोल जवाब है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मोती महल तो जिवें पंजाबी दे मशहूर पत्रकार चरणजीत भुल्लर ने रिपोर्ट लगाई सी कि इस टावर तो महल दिसदा है, इस टावर तो महल तो दिसदा है उन्होंने कहा, पर महल तो यह टावर क्यों नहीं देख रहे, टावर ते बैठा है नौजवान क्यों नहीं देख रहा। अज बरसात सी, गर्मी पै रही है, सब कुछ पिंडे ते हंडा रहा, पंजाब दी जवानी, पंजाब दी नौजवानी रुजगार मांग रही है, जिहड़ा वादा कीता सी, कोई वक्खरी गल नहीं मंग रही, कोई नवीं चीज़ नहीं मंग रही। सरकार आउण तो पहला घर घर नौकरी का वादा कीता सी, ओह वादे नूं पूरा कराउण दी जिद ते अड़ी हुई है, तो जिद ते बैठा सुरिंदरपाल अज भी कह रहा कि जिहड़े साडे नाल वादे कीते सी साडे रुजगार दे ओह सानूं दित्ते जाण। शर्म की गल है सरकारां दे लई कि नौजवानों अपने जिहड़े मुख लोड़ां है, मुख हक है, उन्हां दे लई टावरां दे चढ़ना पैंदा। 85 दिन तो जिहड़ी है सुनवाई नहीं हुई, तो जेकर असीं गल करिए, वैसे वह गल करनी नहीं बनती कि ये डिमांडा पता लग जांदियां कि किसनूं किहड़ा फरूट चाहिए, किने किहड़ा फरूट खाना है, वह डिमांड कैप्टन अमरिंदर सिंह तक जल्दी पहुँच जाती है, तो उहदी सुनवाई भी जल्दी हुंदी है। पर जिहड़े नौजवान जिन्हां ने वोटां पा के, जिन्हां ने अगे ला के सरकारां बनाए बनाउंदे आ, वह नौजवान अज टावर ते बैठे। हुण तुहानूं एक बोर्ड दिखाउणे आ, वैसे वह हर पंजाब दे जगह जगह लगे आ, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर दे चौंक दे विच बोर्ड लग्या सामने, मैं कैमरामैन नूं कहूँगा कि सामने बोर्ड दिखाया जाए। सामने लिखा कि साडा सांझा नारा कैप्टन दोबारा, तो जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, जहाँ लगाया गया कैप्टन एक ही हुंदा, कैप्टन दोबारा वाले ते गल करांगे कि साडा सांझा नारा कैप्टन दोबारा।
कैप्टन दोबारा क्यों कि इस लई कि नौजवान टावरों पर चढ़न कि इस लई कि नौजवानों रुजगार ना मिले कि इस लई कि जिहड़े वादे करके कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का होवे चाहे वह नशियां का होवे चाहे वह घर घर रुजगार का होवे चाहे पंजाब की बेहतरी का होवे चाहे खेतीबाड़ी की बेहतरी का होवे कोई एक वादा भी पूरा किया होवे इस लई दोबारा ये तो सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किहड़ी गल्लों कह रहे हैं कि कैप्टन दोबारा ये उही नारे है जो प्रशांत किशोर द्वारा पिछली इलैक्शन के दवाए गए थे घर घर नौकरी का होर तरह का कह जे नारे दिए गए उन्होंने एक नारा इस बार है कि कैप्टन दोबारा इसलिए आना चाहिए सी जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह वादे पूरे कर दे कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर के उन्होंने घर के कोल टावर से चढ़े नौजवान की जब कोई सार नहीं लै रहा तो किहड़े मूँह नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि सरकार दोबारा आनी चाहिए है सरकारां नूं पोलीटिकल पार्टियां नूं अपने समझौतियां अपने गठबंधनां तों वेल नहीं विरोधी पार्टियां दा भी वो रोल नहीं जो चाहिदा सी नौजवान 85 दिन हो गया किन्ने क विरोधी धिर दे लोक इन्हां नूं आके मिले है किन्ने क दूजियां पार्टियां दे लोक आके इन्हां नूं मिले है मेरे जिहड़ा लगभग सुण दे विच आया कि सिर्फ आए होणगे तां 2 मिंट लई हेठां इशारा कर दित्ता होऊगा क्योंकि इस तरीके का ही हुंदा इस तरीके का ही देखदे आ कि साडे सिस्टम विच इही है पोलीटिकल पार्टियां वोटां लई वरतदियां नौजवानां नूं उस तों बाद जां तां उन्होंने उस हालत ही छड़ दिता जाता है ज फिर गलत रास्तों पर लग कित निशेई तो फिर कित उन्होंने गैंगस्टर बना दिता जाता तो यह सरकार दिया देना है हूँ भी यह नौजवान 85 दिन तो उत्ते हो गया शर्म चाहिए है बहुत हद तक असं कह लिए कि साड़िया अखबारों दिया सुरखियां भी घट बनिया नौजवान मीडिया से भी घट चलिया हो सकता है कि इन व्यू घट मिलन पर गल यह है कि मुद्दा तो साडा यह है ना मुद्दा तो साड़ी पंजाब की जवानी साढ़े रुजगार का ना तो इस करके ये मुद्दे लाजमी है मुद्दे चकने लाजमी है मुद्दे पर गल करनी लाजमी है कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर के खड़ के इस लाइव होने का मकसद साडा यही है कि कैप्टन साहब तुहाडे घर तो थोड़ी दूरी पर यह नौजवान है आके सार लो जेकर तुसी अपने मेहमानों फ्रूट पुछ सकते हैं तो इस नौजवान इसका दुख क्यों नहीं पुछ सकते क्यों नहीं इस नौजवान नौकरी दिती जाती क्यों सिर्फ अपने MLA अपने जिहड़े चहेते आ उन्हां दे बच्चों को DSP उन्हां दे बच्चों को अफसर लगा दिता जाता है इस इन्हां नौजवानों वेले नौकरी कित्थे जांदी है इन्हां नौजवानों वेले रुजगार कित्थे जांदा है अपने MLA दे बच्चों को नौकरी ते लाउणा होवे तुसी मिंट च ला दिंदे आ लाउणे फिर उच्चा रैंकां ते आ तां नौजवान सिर्फ अध्यापक जो कि योग्यता यदि है उसे ते ही नौकरी मंग रहा तो तुम अयोग बंद जो लगा दें तो फिर योग्यता योग अध्यापक नौकरी पर क्यों नहीं लगया जाता तो यह सवाल है सरकार से किमें वो सोच रही है कि दोबारा आना जब उसने वादे ही पूरे नहीं किए तो लोगों भी यह सोचना चाहिए कि वह नौजवान सुरिंदरपाल टावर से नहीं चढ़िया पूरा पंजाब इन्होंने टावर से चढ़ा छड़िया पूरा पंजाब इन्होंने टावर से चढ़ा छड़िया कि उस दिन कोई भी किसी तरीके की सार नहीं ली जाती तो लोगों भी आवाज़ उठाने की लड़ा साडा भी मकसद आवाज़ उठाने कि सरकार तक के गल पहुँचे कि उन्होंने शहर के कोल उन्होंने घर के कोल और नौजवान आके अपन जायज़ मंगा की मंग कर रहा है कैमरा परसन हिमताज ढिल्ला के नाल मनिंदरजीत सिद्धू लोक वाई TV पटियाला।